उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत सभी राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रहे हैं। इस बीच निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव में कोई अपने परिजनों या रिश्तेदारों को टिकट देने के लिए दबाव ना बनाएं। उन्होंने कहा कि फोकस सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर ही होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपने रिश्तेदार या किसी परिजन को टिकट देने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। केवल ऐसे उम्मीदवारों को सभी की सहमति से चयन किया जाए जो जिताऊ और योग्य हों। इसके साथ ही प्रदेश के तमाम मंत्रियों को भी निकाय चुनाव को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्रियों से बागी उम्मीदवारों पर नजर रखने को कहा गया है। मंत्री इस बात पर ध्यान दें कि कोई उम्मीदवार बागी ना हो जाए। सीएम योगी ने कहा कि निकाय चुनाव में मंत्रियों को प्रभारी क्षेत्र के साथ साथ गृह जनपद में भी उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, अगर इन मंत्रियों की जरूरत किसी और जनपद में हुई तो वहां के उम्मीदवारों को जिताने के लिए भी उन्हें दूसरे जनपदों में भी प्रवास करना पड़ेगा। पार्टी का फोकस सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर होना चाहिए। प्रत्याशियों का चयन सहमति से किया जाए और बागियों का भी ध्यान रखा जाए। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग होनी है। दोनों चरणों में 9-9 मंडलों में वोटिंग होगी। इनमें पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी में मतदान होना है, जिसके लिए 11 अप्रैल और 17 अप्रैल कर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में 9 मंडल में वोटिंग होनी है, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन की तारीख 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक है।